यादव भी अब कूद पड़े हैं गुजरात के चुनावी दंगल में। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कैसा लगा गुजरात का विकास? ये अच्छा हुआ कि हमने भी गुजरात देख लिया, और गुजरात नहीं देखते तो हमें भी बड़ा खराब लगता। और इतना गुजरात मॉडल का प्रचार हुआ, हमें तो डर लगता था कि अगर कहीं गए और गुजरात मॉडल देखा और हमें अपना मॉडल खराब लगा तो बड़ा अफसोस होता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है वो गुजरात से बेहतर समाजवादियों ने काम किया है। आज 22 साल और केंद्र सरकार की 3 साल का अगर कोई हमें उदाहरण बता दें कि ये काम बेहतर है उत्तर प्रदेश की सरकार का, से सड़क, ऐसी सड़क समाजवादियों ने बनाई जिसमें लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, देश में सबसे कम समय में मेट्रो बना दी, ये जो नदी का किनारा है अच्छा साबरमती, लेकिन लखनऊ का जो किनारा गोमती का बना है वो ज्यादा सुंदर है। तो मैं ये कह सकता हूं जो समाजवादी लोगों ने काम किया था वो तमाम कामों से बेहतर काम है जो गुजरात में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि गुजरात की अपनी एक हैसियत है, गुजरात के लोगों ने न केवल गुजरात बनाया बल्कि दुनिया में भी एक पहचान देश को दी है। लेकिन बीजेपी से सावधान, जब कभी विकास की बात करोगे तो वो धर्म और जात को सामने ले आएंगे। और मैं यहां की जनता से कहना चाहता हूं, जैसे जैसे करीब चुनाव आएंगे, वोट डालने का समय करीब आएगा, वैसे जात और धर्म के मुद्दे बहुत आगे आ जाएंगे। इसलिए जो देश को बताया और समझाया कि गुजरात मॉडल है, वो तो कुछ है ही नहीं मॉडल, वो धोखे का मॉडल है। कम से कम गुजरात की जनता देश को बचाए। यूपी में 2 लड़कों की बातें हो रही थी, यहां पर 3 लड़कों की बातें हो रही है, ये 3 लड़के किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? मैं बधाई दूंगा हार्दिक को, जिग्नेश को, अल्पेश को और कांग्रेस पार्टी के राहुल को, कम से कम इन चारों ने मिलकर के यहां जनता को जगाने का काम किया है और जनता के मुद्दों को आगे रखने का काम किया है। खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि इन लोगों को बहुमत मिले। और 2 लड़कों की बात पर खासतौर पर अगर बात करें तो राहुल गांधी आपसे थोड़े थोड़े मुखरे से नजर आ रहे हैं, करीब नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? ये राजनीति में निर्णय होते हैं। हम तो कहेंगे कि वो दूसरी दिशा में चले गए, हम अपनी दिशा में हैं। जब अगली बार चुनाव आएगा हो सकता है फिर दिशाएं एक साथ मिल जाए। और खासतौर पर गुजरात के गधों के मामले में जो टिप्पणी की गई थी और उस मामले में मोदी जी लगातार इस बात को उजागर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने किसी भी लीडर के लिए नहीं कहा, किसी भी नेता के लिए नहीं कहा, और मैंने जो कुछ कहा मैंने ये कहा था कि महानायक जी से मैं कहूंगा कि विज्ञापन ना करें। अगर किसी को लगता है उनके लिए कहा है तो उनको पुराना हमारा स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं। तो ये थे अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात का जो विकास मॉडल है वो दूसरे शब्दों में कहे तो छलावा है, और गुजरात के जो 3 लड़के उभर कर सामने आए हैं उन्होंने उसको धन्यवाद कहा है, क्योंकि गुजरात की राजनीति को ये 3 लड़के काफी प्रभावित कर रहे हैं। इस समय अहमदाबाद से कैमरामैन प्रभात के साथ दीक्षित सोनी।